हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे रेडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सॉक्स बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए, मैंने ये नॉर्मल कपड़ा लिया हुआ है वेलवेट का। अगर आपके पास वेलवेट करना हो तो आप कोई भी कपड़ा, कॉटन का या कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो मैं इन सॉक्सों को, आप इन्हें सॉक्स भी बोल सकते हो और जूती भी बोल सकते हो। तो मैं आपको अंगूठेदार और बिना अंगूठे वाली दोनों की बताऊंगी कि आप दोनों तरीके से कैसे बना सकते हो। और ये मैंने इसके अंदर लगाने के लिए फॉर्म ली हुई है, पतली वाली है। आप अगर मोटी लेना चाहो तो मोटी वाली भी ले सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को कट करना है। तो आपको अपने पैर की लंबाई और चौड़ाई पूरी गोल नाप लेनी है। तो मेरे पैर की है 10x10 इंच का मैं स्क्वायर पीस कट करूँगी इसका। तो देखिए, कपड़े को हमें अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। तो देखिए, ऐसे करके रेबी कपड़ा है मेरा तो, लेकिन हमें इसको स्क्वायर पीस कट करना है। तो हमें इसमें से 4 पीस चाहिए होंगे, एक पीस ऊपर लगाने के लिए फॉर्म के और एक पीस नीचे लगाने के लिए। ऐसे करके हमें 4 पीस चाहिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो देखिए, हमें यहाँ से जो सीधा हिस्सा है वहाँ से नाप लेना है। दस, और यहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे 10 इंच का। अब यहाँ से भी हमें लगा लेना है 10 इंच का निशान, ऐसे करके 10 और ये 10। तो इसको मैं स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ फिर, और इसके मैं 4 पीस कट करके आपको फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें फॉर्म वगैरह हम अंदर के लिए कट कर लेंगे। तो इतना काम करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये पीसेस कट कर लिए हैं। ये चारों पीस मैंने कट किए हुए हैं और ये 2 फॉर्म कट किए हुए हैं इसके अंदर डालने के लिए। अब देखिए, इन्हें हमें पहले एक पीस लेना है, ऐसे करके एक ऊपर और एक नीचे दबाते हुए। ऐसे करके सेट कर देना है, मतलब कि ये थोड़ी सी बड़ी फॉर्म है तो इसे बाद में हम कट कर देंगे जहाँ से ये बड़ी होगी। तो इसे अच्छे से दोनों कपड़ों को सेट करके हम हल्के से सेट कर लेते हैं और फिर इसमें हम सिलाई वगैरह लगा लेंगे। ऐसे करके लगा सकते हो आप तिरछी, या फिर ऐसे सीधी भी लगा सकते हो आप। किसी भी तरह से सिलाई इसमें लगा के ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, मैं इसमें तिरछी सिलाई लगाऊंगी ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके। तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा इसमें ऐसे, ये ऐसे ऐसे इधर कर लेंगे हम, और फिर से हम इधर पूरे भी तो ये ऐसे करके मैं इसमें पार्टों में सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ दोनों को। ऐसे ही इसमें लगा लूँगी, ऐसे ही इस वाले पार्ट में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको सिलाई लगाकर, ऐसे ऐसे करके लगानी है, मतलब फिर ऐसे करके लगानी है। जैसे हमने निशान लगाए हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। तो देखिए, ये दोनों मेरे 10x10 के दोनों पीस ऐसे करके रेडी कर लिए मैंने फॉर्म वगैरह लगा के। देख सकते हो 10, और इधर से भी 10 इंच का है। तो 10x10 का है ये भी और ये भी। तो हमें दोनों पैरों के लिए चाहिए तो दोनों एक से लेने होंगे। तो ये हमारे दोनों पीस रेडी हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड करना है डबल, इसको भी और इसको भी। देखिए, एक पैर पे तो मैं आपको बताऊंगी अंगूठे वाला, और एक पैर पे बताऊंगी आपको बिना अंगूठे वाला। तो दोनों तरीके के आप बना सकते हो, जैसा आप बनाना चाहो उस तरीके का आप बना सकते हो अपने लिए। तो
तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड से जो हमारी जो ऊपर वाली यहाँ से साइड होती है वो वहाँ से अंगूठे वाली साइड वहाँ से आपको नापना है। आप देखिए पहले यहाँ से नाप सकते हो इसको, आपको जितना बड़ा 5 इंच लेना है, 5.5 लेना है, 6 इंच लेना है, जितना आप लेना चाहो यहाँ से यहाँ तक बंद उतना ले सकते हो। तो मैं 6 इंच ले लेती हूँ, टोटल 6 इंच का। ये हमने लगा लिया 6 इंच का निशान ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से गहराई में, इस पॉइंट से गहराई में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का, ज़्यादा नहीं लगाना। तो आपको 1.5 इंच का निशान लगाते हुए सीधा कर देना है, इधर से भी 1.5 इंच रखना ऐसे करके। अब देखिए इसे हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। ये हमने कट कर दिया, इसी तरीके से हमें इसको भी कट कर लेना है। तो मैं दोनों पार्टों को ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों पार्टों को कट कर दिया है यहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा पार्ट, ये भी और ये भी। अब देखिए यहाँ पर हमें लगानी है पाइपिंग, इस पर भी और इस पर भी, दोनों हिस्सों पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें पाइपिंग लगाने के लिए रेड कलर का कपड़ा ले लिया है, और आप कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हो आपके पास जो भी हो। तो इसमें से आपको उरेबी कपड़ा कट करना है दोनों पट्टियों के लिए। तो देखिए ये जो कपड़ा है ये तो हमारा सीधा है, यहाँ से देखिए बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे करके उरेबी कट करना है ऐसे तिरछा। तो देखिए करीब आपको 1.5 इंची का कट करना है इसे। तो आपके इस राउंड में आ जाए इतनी बड़ी पट्टी आपको कर लेनी है। तो मेरी लगभग तीनों पट्टियां आ जाएंगी, तो मैंने 3 पट्टियां इसमें से निकाल लूंगी अलग। देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। अब देखिए मशीन की सहायता से आप इन्हें उल्टी साइड से लगाना पहले, ताकि अच्छे से सफाई आएगी। ऐसे करके यहाँ से रखते हुए आपको इसे खींचते हुए नहीं लगानी है, नॉर्मल लगानी है क्योंकि ये गला नहीं है। ऐसे करके एक साइड से लगा ली, और ऐसे ही मैं इसमें लगा लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने इसको ऐसे करके दोनों पर लगा दिया है। आप देखिए ऐसे हमें फोल्ड करते हुए इसे इधर फोल्ड कर देना है। तो ऐसे फोल्ड करके मैं पूरी पर लगा लूँगी इसको भी और इसको भी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पर इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। अब हमें इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। यहाँ पर यहाँ से जोड़ते हुए इसे ऐसे करके यहाँ तक जोड़ देना है, यहाँ तक ऐसे करके, और इसे भी यहाँ से ऐसे और यहाँ तक जोड़ देना दोनों पार्टों को। लेकिन देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसे तो हमें यहाँ से यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई देते हुए जॉइंट करना है, हल्की सी गोलाई ऐसे करके, ऐसे यहाँ से सीधा, और फिर यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है, फिर यहाँ से पूरा सीधा कर देना है ऐसे। इसमें यहाँ से सीधा और यहाँ से हल्की सी गोल शेप देते हुए इसको हमें सीधा सिल देना है। तो इसी तरीके से मैं दोनों पार्टों को सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए मैंने इन दोनों को ऐसे करके सिल दिया है, और जो हमने राउंड शेप दिया हुआ है इसको हमें कट कर देना है हल्का। आप देख सकते हो तो ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब देखिए आगे की साइड से हमें क्या करना है, इसमें हमें बीच सेंटर में कट लगा लेना पहले ऐसे करके। अब देखिए जो हमारा ऊपर वाला बीच सेंटर है इसको हमें ऐसे करके मिला देना है ऐसे करके। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको अंगूठा वाला बनाना है। पहले तो आप अपने पैर को रखिए अच्छे से इस पर सैर करते हुए, और सिलाई के लिए भी छोड़ना है आपको। और ये हमारा अंगूठा थोड़ा सा मोटा होता है तो अच्छे से इसमें चला जाए उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमें यहाँ से इसमें सिलाई लगेगी। ऐसे करके तो मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए ऐसे यहाँ से हमें यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक राउंड दे देना है। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और इसको यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ पर देखिए हमें ऐसे करके बीच में से सिलाई को कट नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है। कपड़े को जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है आराम से। यहाँ से तो हमने पहले ही कट कर दिया है मैंने इसमें से, इसे हमें सिलाई के पॉइंट तक कट करना है, सिलाई को नहीं कट करना है। लेकिन देखिए पॉइंट तक हमने कट कर दिया सिलाई, ये है सिलाई वाला पॉइंट। अब देखिए ये हम मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल हमारी जूती बनके रेडी हो चुकी है। इस तरीके से धागे वगैरह निकल रहे हैं, उन्हें हमें कट कर देना है। और मैं इसे पैर में डाल के दिखाती हूँ आपको। उन्हें जूती हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो अंगूठे वाली बिल्कुल फिक्स आई हुई है, आप देख सकते हो कहीं से लूज नहीं है कहीं से टाइट नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर लूज हो जाए तो आप सिलाई लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये हमारी जूती बन के रेडी हुई है, आप देख सकते हो मोजे के ऊपर मैंने पहनी हुई है फिर भी ये फिट आई है बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको दूसरी बिना अंगूठे वाली बना के रेड करके दिखाती हूँ। तो आपको बिना अंगूठे वाली के लिए आपको क्या करना है, इसको भी आपको बीच सेंटर में रख लेना है ऐसे करके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और आपको इसमें कोई भी अंदर से कट नहीं लगाना है, आपको देखिए यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए ऐसे करके सिलाई लगा देनी है केवल ऊपर से, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। यदि सिलाई लगा देनी है थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से राउंड देते हुए, और यहाँ पर भी कॉर्नर पर राउंड देना है, और बीच में से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है फिर। तो फिर मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको ऐसे करके सिलाई लगा दी है, और जो हमारा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे ऐसे करके। तो देखिए ये हमारी बिना अंगूठे वाली भी रेडी है। देखिए ये भी बिल्कुल फिट आई हुई है, ये थोड़े से कॉर्नर निकले हुए हैं, इसको हल्का सा और राउंड में दे देंगे हम सिलाई लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही आ रहेगी, देख सकते हो।
ये आपको थोड़ा सा और कॉर्नर पर सिलाई लगा देनी है, फिर ये आराम से अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएंगे। ये हमारी अंगूठे वाली है, तो आप इसी तरीके से बना सकते हो आसानी से। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबल हो रही है ये पहनने में। ये हमारी अंगूठे वाली, ये बिना अंगूठे वाली। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है और आप कौन सी बनाना पसंद करोगे। आप इसमें आसानी से चप्पल भी पहन सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो मैं वीडियो डालूंगी वो सीधे आपके पास आ जाएगी। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।